हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भर देगा। तो आइए, टॉपिक हमारा बहुत ही लाजवाब है। जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं, आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट एंड यू आर ऑल्सो बेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, आई एम द बेस्ट ये एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम किसी के सामने कहते हैं तो उसको लगता है यार इसके अंदर तो प्राउड है, उसको लगता है प्राउड है, बट इट इज नॉट प्राउड, इट इज प्राइड। ध्यान दें, प्राउड और प्राइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम बोलते हैं किसी भी काम को, इस काम को मैं ही कर सकता हूं, इट इज द प्राउड। बट इस काम को मैं कर सकता हूं या मैं भी कर सकता हूं, इट इज द प्राइड। देखिए, अपना स्वाभिमान अपने हाथ में होता है व्यक्ति के। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अपने स्वाभिमान को किसी दूसरे के हाथ में दे दे। यहां पर हम बात करेंगे, हम सभी लोग क्या करते हैं, हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है शो अप करना। हम बाहर से अपने आप को शो अप करते हैं, दिखाते हैं बाहर से कि यार हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन रियलिटी में हम अंदर से कैसे हैं वो हमको पता है। और यही सोच हमारी हमको कहां पर ले जाती है कि हम अंदर से हैं क्या, वो मायने नहीं रखती है कि मैं सामने वाले को क्या दिखा रहा हूं, मैं कौन हूं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना केवल इससे है कि मैं कौन हूं। हम सभी जब अपने आप को एक मिरर में देखते हैं तो उस समय हमें अपने मन में केवल एक बात रखनी है, आई एम द बेस्ट। अगर हम रियलिटी में यही बात मन में रखते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, तो मैं बेस्ट कर सकता हूं और मैं बेस्ट करके रहूंगा। आप ध्यान रखें, एक बात को ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें यहां पर यह सोचना है, यह देखना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकल रही है, एक होता है कि पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने अंदर से निकाल रहा हूं। दोनों में काफी डिफरेंस है। पॉजिटिव एनर्जी को निकालना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना है कि वो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक निकले। और एनर्जी कब निकलेगी, जब हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर हमें देखना है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे लोगों के हाथ में होता है। यस, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो अदर लोग डिसाइड करते हैं, ना कि हम। जब हम कोई भी न्यू प्लान प्लान्ड करते हैं तो सामने वाला कहता है यार ये नहीं हो सकता, ये कर ही नहीं सकते तुम, ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम उसकी है, मेरी नहीं। देखिए, आज का जमाना ऐसा है जो कभी भी व्यक्ति को ऊपर चढ़ा देता है और जब उसका मन करता है तो उसको नीचे गिरा देता है, और नीचे इतना गिरा देता है कि लास्ट में आकर उसको मसलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो चढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है, कितना उसको उतारा जा रहा है। ये डिपेंड उसके ऊपर नहीं करता, दुनिया के ऊपर नहीं करता, बल्कि हमारे ऊपर करता है। हमें देखना है, मुझे देखना है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस प्रकार का है। अभी हम बात करते हैं, एक नई मूवी अभी लॉन्च हुई, पुष्पा, और वो मूवी आप सभी ने देखी भी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी तो देखना। उस मूवी के अंदर जो मिस्टर अल्लू अर्जुन एक्टिंग कर रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो यार वास्तव में एटीट्यूड उसका जो दिखाया है, पब्लिक ने उस एटीट्यूड पर काफी तालियां बजाई, काफी उसको वाह वाह किया, क्योंकि उस एटीट्यूड में उसने दिखाया है आई एम द बेस्ट। जबकि वो एक छोटे से वर्कर से स्टार्ट हुआ और वर्कर से स्टार्ट होकर के कहां तक पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि उसे दुनिया से मतलब नहीं था कि दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है, उसको मतलब अपने आप से था, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर था। ये कॉन्फिडेंस लेवल तब तक हमारे अंदर नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं। हम अपने अंदर से जब इस बात को नहीं बोलेंगे आई एम द बेस्ट, तो सामने वाला तो बिल्कुल नहीं बोलेगा यू आर द बेस्ट।
सबसे पहले हमें मानना है कि हम बेस्ट हैं, तब सामने वाला बोलेगा यस यू आर द बेस्ट। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि हमको सोचना है कि हम बेस्ट हैं, अपने अंदर से बोलना है, अपने अंदर से तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तब सामने वाला बोलना स्टार्ट करेगा यस यू आर द बेस्ट। क्योंकि सामने वाला कोई ये नहीं चाहता कि मुझसे ऊपर कोई उठ जाए, संसार में केवल एक माता पिता, एक गुरु के अलावा और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे ऊपर उठकर के वर्क करे, कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट है और बेस्ट बने रहना चाहता है। लेकिन ध्यान रहे, बेस्ट वो होता है जो सक्सेस को सीढ़ी बाई सीढ़ी अटेम्प्ट करता हुआ चले। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सक्सेस को अचीव कर लिया उसके बाद में आपने कह दिया अब तो यार मैं बेस्ट हूं बस हो गया, नो। तो पीछे आने वाले आपके बहुत हैं, वो भीड़ आपको धक्का दे करके आगे निकल जाएगी। क्योंकि बेस्ट आप वन टाइम हुए हैं, एवरी टाइम नहीं। तो यहां पर जो मसला है वो मसला ये है कि जब तक हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, हम स्वयं अपनी नजरों में नहीं उठेंगे, तब तक दूसरे की नजरों में उठ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी निगाह में उठे। जब व्यक्ति अपनी निगाह में उठेगा तो ही दूसरे की निगाह में वो उठना स्टार्ट होगा, अन्यथा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी निगाह में उठें, उसके बाद आप सामने वाले से उम्मीद करें कि वो आपको क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया को नहीं देखना है, खुद को देखना है। दुनिया कहती है यार तुम नहीं कर सकते, यार नहीं ये नहीं हो सकता, अरे तुम तेल लेने जाओ, मुझे क्या मतलब है यार, मैं बेस्ट हूं ना, आई एम द बेस्ट, तो जो मैं कर रहा हूं वो राइट है, अपने डिसीजन राइट लें। आपने एक चीज सुनी होगी कि संत महापुरुष जो होते हैं उनका ऑरा होता है, यानी कि उनके जब हम पास जाते हैं या आप ऐसे लगा लीजिए मंदिर में जाते हैं तो हमारी जो भावना होती है वो भावना बिल्कुल उस समय चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का जो प्रकाश है, वहां का जो ऑरा है, जैसे ही उस ऑरे के, उस प्रकाश के संपर्क में हम आते हैं तो हमारी मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वो मेंटेलिटी चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक उनका इतना जो पॉजिटिव प्रकाश है वो हमारे माइंड को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो सोचिए, जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर इतनी भर जाएगी, इतनी फुलफिल हो जाएगी, तो हमारे संपर्क में जो आने वाले व्यक्ति होंगे वो हमें छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। उनको पता है कि यार इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो ऐसा है कि जब इस व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं या बात करते हैं तो वास्तव में ही हमारा जो माइंड है वो कुछ बड़ा करने का सोचता है। और व्यक्ति बड़ा केवल तभी कर सकता है जबकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे व्यक्ति को छोटा नहीं समझेगा बल्कि हर किसी को अपने सामने का कंपटीटर समझ करके आगे बढ़ेगा। तो वो कह सकता है आई एम द बेस्ट। लेकिन आई एम द बेस्ट का मतलब ये नहीं कि यार मुझे क्या करना है, आई एम द बेस्ट का मतलब है कि जितने मेरे अंदर एफर्ट्स हैं, जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को पूरी लगन के साथ जितना मैं कर सकता हूं उसमें वो पूरा डाल दीजिए, वही व्यक्ति बेस्ट है। जितना मैं जानता हूं उतना उसके अंदर पूरा झोंक दूं, यानी काम ऐसा करें, किसी महापुरुष ने कहा है काम अगर आपको करना है, आपका कोई भी कर्म है, तो उस कर्म को ऐसा कीजिए कि उस काम में पूरी तरीके से आप तल्लीन हो जाइए, आग लगा दीजिए उसके अंदर, सामने वाला भी कहे यार वास्तव में बंदा काम कर रहा है, वही बेस्ट है, वही व्यक्ति बेस्ट है। तो आपको अगर बेस्ट बनना है तो केवल एक बात मन में धारणा कर लीजिए, हमें कोई भी काम करना है, अपने कार्य को इस प्रकार से करना है पूरी तल्लीनता के साथ में कि वास्तव में सामने वाला देखकर भी हमें सैल्यूट करे और बोले यस यू आर द बेस्ट। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो केवल यही है कि जब तक हम खुद को आई एम द बेस्ट नहीं मानेंगे, खुद को आई एम द बेस्ट नहीं कहेंगे, जब तक सामने वाला भी आपको बेस्ट नहीं कहेगा। सामने वाले से बेस्ट कहलवाने के लिए सबसे पहले खुद को बेस्ट बनाना भी जरूरी है, आई एम द बेस्ट। तो यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो
हमारी कुछ और हट करके आने वाली है, बहुत ही कुछ अलग अंदाज की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहें, नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के लेकर के आएंगे जो वास्तव में आपको अच्छी लगेगी। वीडियो इसमें भी कोई कमी नहीं होगी। आप वीडियो को अच्छी लगी लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और बेल आइकन दबा के रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो तब भी आए वो आपको तुरंत मिल पाए। ओके नाउ थैंक यू आप सभी के लिए। आप सभी वीडियो को अगर प्रमोट करेंगे तो अगली वीडियो और अच्छे से बना पाएंगे और उसमें बेहतरीन तरीके से अपने एफर्ट्स डाल पाएंगे। थैंक यू सो मच।